शनिवार को यूपी के शाहजहांपुर दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने किसान कल्याण रैली को संबोधित किया और इस दौरान प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर चुटकी लेते हुए कहा कि दल से दल मिल रहे हैं और जितना दल दल होगा उतना ही कमल खिलेगा। ২০১৯ के लोकसभा चुनावों में भले ही अभी एक साल का वक्त हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर है। यही वजह है कि पीएम मोदी शनिवार को एक बार फिर यूपी दौरे पर पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने शाहजहांपुर में किसान कल्याण रैली को संबोधित करते हुए महागठबंधन पर चुटकी ली। पीएम मोदी ने कहा कि जितने ज्यादा दल एक साथ मिलेंगे उतना ही दलदल होगा और जितना ज्यादा दलदल होगा उतना ही कमल खिलेगा। और अब तो एक दल नहीं, दल के साथ दल, दल के साथ दल, जब दल के साथ दल हो तो दलदल हो जाता है, दलदल हो जाता है। और जितना ज्यादा दलदल होता है उतना ज्यादा कमल खिलता है। वहीं लोकसभा में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी ने कहा कि देश के कोने कोने को मोदी पर विश्वास है, लेकिन कुछ दलों को विश्वास नहीं है। हमने उनके अविश्वास का बार बार कारण पूछा है, लेकिन वो कारण नहीं बता पाए और गले पड़ गए। उत्तर प्रदेश की जनता को विश्वास है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भारत के हर हिस्से की जनता को विश्वास है, लेकिन कुछ दल कहते हैं उनको मोदी पर विश्वास नहीं है। कल संसद में हम उनसे लगातार ये पूछते रहे कि भाई बताओ तो सही, ये अविश्वास का कारण क्या है, जरा बताओ तो। अब जब कारण नहीं बता पाए तो गले पड़ गए। इसके अलावा पीएम मोदी ने कांग्रेस पर किसानों के नाम पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों के भीतर किसानों के लिए कुछ करने की नीयत ही नहीं थी, वे लोग सिर्फ किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाना जानते थे। आज किसानों के नाम पे जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं ना, ये करने के लिए उनको भी मौका था, लेकिन वो घड़ियाली आंसू बहाने वाली सरकारों को आपके लिए निर्णय करने की फुर्सत नहीं थी, चिंता नहीं थी। गन्ना किसानों पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कुछ दिनों पहले देश के गन्ना किसान भी मुझसे मिलने दिल्ली आए थे, तब मैंने उनसे कहा था कि धैर्य रखिए, सरकार की तरफ से बहुत जल्द ही आपको अच्छी खबर मिलेगी और हमने गन्ना किसानों के लिए काफी काम किया है। कुछ दिन पहले देश भर के किसान, गन्ना किसान मुझसे मिलने के लिए दिल्ली आए थे और इनमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी अनेक किसान मेरे घर आए थे। तब उनसे मैंने कहा था कि बहुत ही जल्द एक अच्छी खबर गन्ना किसानों को मिलेगी और आज यहां शाहजहांपुर में मैं वही वादा निभाने आया हूँ। मिशन 2019 की तैयारियों में जुटी बीजेपी ये बखूबी जानती है कि केंद्र की सत्ता पर एक बार फिर कब्जा करना है, तो इसके लिए यूपी में एक बार फिर से 2014 वाला करिश्मा दोहराना होगा। हालांकि ऐसा करना आसान नहीं है, लिहाजा पीएम मोदी खुद मैदान में उतर गए हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि बीजेपी के लिए ये फॉर्मूला कितना कामयाब होता है। टोटल न्यूज के लिए शाहजहांपुर से आकाश शेखर शर्मा की रिपोर्ट। एक ओर पीएम मोदी ने शाहजहांपुर में किसान रैली की, तो दूसरी ओर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एक बार फिर 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के अपने वादे को दोहराया। अमित शाह ने कहा कि अगर किसानों का योगदान जीडीपी में बढ़ता है तो इससे अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूत बनाया जा सकता है। इस बात को लेकर आज अमित शाह ने ये बात रखी और साथ ही ये कहा कि किसानों की जो आय है उसे 2022 तक बढ़ाया जाएगा और इसको लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। और जिस तरीके से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में कल अविश्वास प्रस्ताव पर
बोलते हुए भी साफ तौर पर कहा कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी होगी। हालांकि कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने साफ तौर पर किसानों का मुद्दा उठाया था और जिस तरीके से किसानों की स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है, खासकर जो खुदकुशी के मामले किसानों के बढ़ रहे हैं, उसको लेकर भी राहुल गांधी ने कल प्रधानमंत्री को घेरा था। 2019 लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी ने एक बार फिर 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का संकल्प दोहराया है। शनिवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी ही सरकार ने किसानों द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के एमएसपी में अब तक की रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि हमने अपना रोडमैप पूरी तरह से तैयार कर लिया है, हमें उम्मीद है कि उसमें कामयाब होंगे। और मुझे पूरी श्रद्धा है कि 2022 में जब देश की आजादी के 75 साल होंगे, तब इस देश के किसान की आय को दुगनी करने में हम बहुत बड़ा सफलता प्राप्त करेंगे। और यही नहीं, अमित शाह ने कहा कि किसानों की आमदनी को बढ़ाना हमारा लक्ष्य है, किसानों की अर्थव्यवस्था में योगदान को 30% तक लाया जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो अर्थव्यवस्था को बड़ी मजबूती मिलेगी। अमित शाह ने यह भी कहा कि किसानों की सही समस्या का हल तब तक नहीं निकल सकता जब तक इस तरह के कार्यक्रमों को किसानों के बीच तक नहीं निकाला जा सकता। बीजेपी किसानों को लेकर किए अपने वादों को लेकर आत्मविश्वास से भरी हुई है, लेकिन उसकी अब तक की कोशिश में किसान कितने खुश हैं, ये 2019 के चुनाव के नतीजे बता देंगे। कैमरा पर्सन सुरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।